कॉम्प के लिए करी थी और वो भी नहीं आया। नेक्स्ट लेवल खुशबू आ रही है इसमें से, और कैमरा बंद होने के बाद इसे चाटूंगा बैठ के। ये भाई साहब रोज आके मेरे को उठा देते हैं, मेरे ऊपर सो जाएगा आके, मैं सो रहा होता हूँ, रोज मेरी नींद खराब करता है। अबे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक, एपिसोड 18 है शायद आज। और मैं सोच रहा हूँ डेली वीडियो अपलोड, ना करके एक दिन छोड़ के एक दिन करूँ वो ज़्यादा ठीक रहेगा। डेली डेली में ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और मैं कुछ सोच भी नहीं पाता ज़्यादा ढंग से, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी तो वो ज़्यादा ठीक है। और आज भाई तुम्हें एक ऐसी रेसिपी दिखाऊँगा ना, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल टेस्ट है उसका। कल रात को मैंने पहली बार वो ट्राई करी थी और भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी, वो मार्केट में जो मिलता है ना उससे कहीं ज़्यादा बेटर। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने रील की जो क्या बोलते हैं स्क्रिप्टिंग कर करके भाई पूरी डायरी भर दी। इतनी मैंने ना अपने कभी स्कूल में कॉपियाँ नहीं बनाई जितनी मैंने रील की स्क्रिप्टिंग करी है। ये देखो भाई, ये आज की रील है जो मेरे को शाम को डालनी है। और ये देखो पूरी भर दी भाई, यहाँ से यहाँ तक भरी पड़ी है पूरी, सिर्फ रील की स्क्रिप्टिंग कर रखी है क्या बोलना है। आलस आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। हाँ मैं क्या कह रहा था, वैसे तो अभी मेरे को कार्डियो करना है, आज दिन में जिम नहीं जा रहा, मैं शाम को रिकॉर्ड कर लूँगा, शाम को ही वर्कआउट करना है, आज कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, आर्म्स का वर्कआउट है तो शाम को ही चला जाऊँगा। और क्या कह रहा था मैं, हाँ वैसे तो मेरे को अभी कार्डियो करना है, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले रेसिपी दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद कार्डियो कर लूँगा, क्योंकि जो लोग रेसिपी देखने आए हैं तो वो शुरुआत में ही वीडियो की रेसिपी मिल जाएंगी उन्हें। तो चलो, ये जो चीज़ केक की रेसिपी है ना भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को, बस तीन चार चीज़ें चाहिए। फर्स्ट कोई भी बिस्किट ले लेना आप, ज़्यादा नहीं डालने, तीन डालने हैं, मैं ये ले रहा हूँ, ये बिस्कॉट यूनिबिक का क्या बोलते हैं बिस्कॉफ का रिप ऑफ। और 100 ग्राम पनीर, हाँ 100 ग्राम पनीर चाहिए, सुनने में अजीब लग रहा होगा पर भाई पता भी नहीं लगेगा कि पनीर डाला हुआ इसमें। दो हो गई चीज़, एक चीज़ और वे प्रोटीन, और चौथी चीज़ क्या बोलते हैं दूध, ये चार चीज़ें चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। पहले मैं इसमें से ना तीन बिस्किट लेके इसका पाउडर बना लेता हूँ, उनको पीस लेता हूँ, उसके बाद बाकी की रेसिपी बताता हूँ। ये लो भाई बिस्किट्स का तो मैंने ये पाउडर बना दिया, मैं सिर्फ तीन ही बिस्किट यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कैलरीज कम चाहिए तो इसलिए मैं तीन ही यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या करना है, 100 ग्राम पनीर लेना है, उसको ना ऐसे मैश करके इसमें डाल देना, वैसे तो मिक्सी भी कर देगी ये काम, पर थोड़ा सी हेल्प हो जाएगी मिक्सी की भी। ऐसे डाल देना 100 ग्राम है, पता भी नहीं लगेगा भाई कि इसमें पनीर डाला हुआ है, सुनने में अजीब लग रहा होगा कि चीज़ केक में पनीर। अब मैं इसमें डालूंगा एक स्कूप वे प्रोटीन का, 33 ग्राम का स्कूप है, 33 ग्राम डालो, कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो आप, मैं मलाई कुल्फी फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी फ्लेवर डालोगे अच्छा ही लगेगा। और अगर चॉकलेट वाला बनाओ ना तो कोको पाउडर भी डाल देना थोड़ा सा, और ज़्यादा सही लगेगा। और थोड़ी कॉफ़ी, अब इसमें मैं डालूंगा 45 ml लो फैट मिल्क। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगा मैं और एक थिक पेस्ट बन जाएगा। 20 ml दूध और डाल रहा हूँ, मेरे को कम लग रहा है थोड़ा सा, प्लस कर लेना कितना हो गया, 46 + 20 जो भी है। अभी कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया, ज़्यादा क्रीमी कर दिया मैंने, थोड़ा कम ही दूध डालना भाई, 20 ml और मत डाल देना, मैंने ज़्यादा डाल दिया पर जम जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा। अब इसको ग्लास में डाल के बढ़िया सी प्रेजेंटेशन कर देता हूँ थंबनेल के लिए। पहले थोड़ा सा मैं बिस्किट डालूंगा, फिर चीज़ केक, फिर बिस्किट, फिर चीज़ केक, ऐसे लेयर सी बना लूँगा, दिखाता हूँ। ये देखो भाई बन के रेडी हो गया है, उसमें से थोड़ा सा बच गया है, अब इसको मैं वेस्ट तो करूँगा नहीं, ये कैमरा बंद होने के बाद इसे चाटूंगा बैठ के। अभी इसे मैं फ्रिज में रख दूंगा 1-2 घंटे के लिए, फिर ये सेट हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा लिक्विड डाल दिया मैंने, थोड़ा कम लिक्विड डालना, मैंने कितना डाला, पहले मैंने 46 डाला, फिर मैंने 20 डाला, तो वो बाद का 20 मत डालना, 46 में ही काम चला लेना। इसे मैं फ्रिज में रख देता हूँ, फिर उसके बाद ये जम जाएगा, इसको रात को खाऊंगा, अभी नहीं खा रहा। बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ आएगी ट्रेडमिल की, क्योंकि माइक नहीं लगा रखा। हाँ मैं क्या बता रहा भाई, कार्डियो का रिमाइंडर है ये, कार्डियो करो ही करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चलना ही तो है ट्रेडमिल पर। अगर आप ये चीज़ ऐड कर दोगे ना अपने शेड्यूल में भाई, जादू है कार्डियो, जादू, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। चलो ग्राउंड पर चल सकते हो या ट्रेडमिल पर, अगर ट्रेडमिल पर चल रहे हो तो 8 से 10% इंक्लाइन रख लेना और स्पीड रखना
पाँच से छः के बीच में भाई, मैंने छः रखी हुई है और 30 मिनट करूँगा मैं, वैसे तो 40 करना था पर 30 ही कर रहा हूँ, वर्कआउट के बाद भी थोड़ा सा कर लूँगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ अपनी मील बन। मील बन तो भाई मैंने बढ़िया रेडी कर लिया, कार्डियो भी कर लिया है। वैसे तो भाई ये फ्रिज में चीज़ केक रखा हुआ है ना, खाने का बड़ा मन कर रहा है पर रात को ही खाऊंगा क्योंकि रात को मीठा खाने का बहुत मन करता है। और ये मैंने रायता बनाया था अभी, 200 ग्राम दही और थोड़े से प्याज और खीरे डाल दिए थे और नमक और थोड़ा सा जीरा। ये मेरी मील बन है, सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ओजी बेसन चीला 80 ग्राम बेसन का चीला है और थोड़ी सी प्याज डाली है, थोड़े मसाले डाल दिए। ये मेरी मील बन है और इससे ना ढंग का पेट भर जाएगा भाई, क्योंकि रायता है ये, दो जो भी है दही है, इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, कोई लो फैट वगैरह दही नहीं है, नॉर्मल दही है। और ये चीला तो ये बहुत बार दिखाई चुका हूँ, ये है मेरी मील बन टोटल। आजकल ना मैं अपने वर्कआउट से पहले वाटरमेलन खा लेता हूँ 400-500 ग्राम, ये 450 ग्राम वाटरमेलन है। और वाटरमेलन खाऊँ ना वर्कआउट से पहले तो ना थोड़ा काला नमक डाल लेना ऊपर, भाई क्या स्वाद लगता है। और ये मेरी तीसरी मील है, मील तो नहीं स्नैक बोलेंगे इससे। सबसे पहले मैंने दिखाई आपको मैंने क्या खाया था मैंने, हाँ बेसन चीला। उसके बाद मैंने वो प्रोटीन आइसक्रीम बनाई थी मैंगो शेक वाली, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी। ये तीसरी मील है, इस प्री वर्कआउट स्नैक भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैं प्री वर्कआउट पीऊँगा और आधे घंटे बाद जिम जाऊँगा। आज ना बहुत दिन बाद मैं एनी टाइम में वीडियो बना रहा हूँ और भीड़ भी होगी, शाम को आए तो फुद्दू हरकत भाई एकदम। एक तो शाम को आए हूँ वीडियो भी रिकॉर्ड करने, भीड़ होगी तो ज़्यादा रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो भाई पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। वॉट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक। वैसे बोल चुका हूँ ना मैं, हाँ बोल चुका हूँ, सुबह बोल दिया था मैंने। और जिम में एंट्री हो चुकी है, अभी पहले मैं कोर ट्रेन करूँगा, उसके बाद मैं आपको अपना क्या बोलते हैं आर्म्स का वर्कआउट दिखाऊँगा। प्री वर्कआउट पी रहा हूँ, रात के अभी 9 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं, वैसे 9 नहीं बज रहे हैं। और ये पीता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर कोर ट्रेन करता हूँ, दो एक्सरसाइज करूँगा, दो दो सेट के लिए 4 सेट करूँगा इन टोटल। उसके बाद डायरेक्ट आर्म्स के वर्कआउट में मिलते हैं। आज भी ड्राई स्कूपिंग कर रहा हूँ भाई, क्योंकि शेकर लाया हूँ, उसमें डालूंगा फिर वो फ्लेवर हो जाएगा इसके। हाँ बहुत दिनों से ना मेरी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आ रहे थे, 3-4 वीडियो पे भाई डॉलर साइन आ रहे थे ग्रीन वाले, पर मैं कहा भाई ऐसे कैसे, इसलिए आज मैं शाम को आ गया, मैं कहा आज कॉपीराइट चाहिए वीडियो में। और पहला सेट लगाने जा रहा हूँ अभी मैं अपने बाइसेप कर्ल का, एब्स मैंने ट्रेन कर लिया, दो एक्सरसाइज करी और दोनों के दो दो सेट करे। वार्म अप में कर चुका हूँ, दो सेट मैंने वार्म अप ले लिए थे, एक मैंने 20 का कर लिया था, ये 25 किलो है। और पता नहीं क्यों मेरी ना लेफ्ट वाली एल्बो में ना ऐसे झंझनाहट सी हो रही है, पता नहीं क्या रीज़न है, पर जो भी है। चलो भाई ओवर साइज टी शर्ट पहनी हुई कुछ नहीं दिखेगा, अभी पंप आ जा फिर उतारूंगा। भारी लग रहा है यार। ओ भाई भारी था, लाइट करूंगा अगले सेट में, मजा नहीं आ रहा। ज्यादा रैप मारता हूँ ना तब मजा आता है, ऐसे 15-16 रैप आए तो मजा नहीं आता। खून ज्यादा दिख रहा है ना इसमें, कोई नहीं बात ही तो बतानी है, क्या कह रहा था मैं। हाँ अबे यार, हाँ याद आ गया, मेरे ना सर में इस टाइम पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, अभी मैं दिन में थोड़ा सा सो गया था, आँख लगी, लेटे लेटे फ़ोन चला रहा था, नींद आ गई। और भाई इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा है ना, इस तरफ जैसी वेट उठा रहा हूँ ना और ज़्यादा बढ़ जाता है वो, पर भाई वीडियो तो डालनी पड़ेगी। चलो भाई एक सेट हो गया, दो और करूँगा उसके बाद पता नहीं आ जाएगा, बढ़िया कॉपीराइट। लास्ट सेट है मेरा और भाई सर में दर्द बढ़ चुका है, जैसे जैसे वेट उठा रहा हूँ, बीच में छोड़ना ना पड़ जाए वर्कआउट, पर भाई वीडियो बनानी है, शायद ही छोड़ूंगा मैं। बाकी अगर मैंने बीच में छोड़ा तो समझ जाना कि सर के दर्द की वजह से छोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। लास्ट सेट है मेरा ये, 25 किलो ही ले लिया मैंने, मैं कहा हल्का नहीं करेंगे भाई, हल्का कर लूँगा ना वेट तो भाई मेरे दिल पर चोट लगेगी कि भाई हल्का क्यों करा वेट, मैं उठा सकता था, इसलिए मैं कहा भाई 25 ही मार लो, ड्रॉप सेट कर लूँगा। लास्ट सेट है, बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो रहा भाई सर में, बहुत ज़्यादा। चलो भैया रैंटिंग बंद करते हैं।
बहुत दिन बाद ना एक डेडिकेटेड आर्म डे रखा हुआ है मैंने, बहुत दिन से नहीं रखा था। बहुत गलत ही फील आ रहा है भाई, अजीब सा दर्द हो रहा है, सोरनेस नहीं हो रही और जो बर्न फील होता है वो भी नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है भाई मेरे को। चलो भाई ड्रॉप करता हूँ अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब भाई सेकंड एक्सरसाइज, और हाँ टी शर्ट उतार चुका हूँ मैं, पंप तो दिखना चाहिए भाई। सेकंड एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, और इंक्लाइन बेंच कोई भी खाली नहीं है तो थोड़ा इसी पे कर लेंगे, बटरफ्लाई पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं ढुई आगे करके। हर रैप के साथ सर में दर्द हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा यार। छोड़ दूँगा वर्कआउट नहीं। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो करके ही जाऊंगा, पूरा नहीं करूंगा थोड़ा बहुत कर लूंगा। फेलियर तक नहीं जा रहा भाई, बस पंप के लिए कर रहा हूँ थोड़ा बहुत वर्कआउट, नहीं तो मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैंने छोड़ दिया ना बीच में, बड़ा बुरा लगेगा। थोड़ा बहुत कर लेता हूँ भाई, वर्कआउट करेंगे। सेकंड सेट है इसका, एक सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ रोप पुश डाउन का। अब मैं वैसे तो बार से करता हूँ पर यहाँ पे जो बार है ना वो ये रोटेशन वाली है, और इस पर मेरे को करना पसंद नहीं है क्योंकि मैं सुसाइड ग्रिप या फिर थंबलेस ग्रिप या फॉल्स ग्रिप बोलते हैं उससे करता हूँ, और उससे ना हाथ से छूट जाती है, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। एक सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मेरा सेकेंड सेट है। एक एक सेट दिखाऊंगा, इसके बाद एक एक्सरसाइज और उसके बाद फिर चलेंगे। बहुत लाइट वेट लगा रखा है क्योंकि जैसे ही ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ ना तो सर में दर्द हो रहा है इसलिए। तो भाई अब एक एक्सरसाइज बची है, वो मैं वो कर लेता हूँ, क्या होता है पार डिप्स कर लेता हूँ यहाँ पे। वो क्या बोलते हैं मशीन तो है नहीं डिप वाली, वो दूसरे जिम में है, पर यहाँ पे सिर्फ वही है क्या बोलते हैं नॉर्मल वाली पार डिप, तो वो करते हैं दो सेट उसके बाद कर सकते हैं भाई। ये है भाई असली एग्जाम्पल जिम रैट का, सर में दर्द हो रहा है पर मानना नहीं है। दो सेट करूँगा इसके, और क्या, और कुछ नहीं भाई, अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो देख लेना थोड़ा सा। ओ भाई एक सेट तो हो गया, एक और उसके बाद सीधा घर पे मिलते हैं। अब भाई अब नहीं हो रहा मेरे से भाई, मैं टी शर्ट चेंज करने आया था तो थोड़ा वो जो लिटल लिटल पंप आया वो देख लो, कुछ खास नहीं आया आज क्योंकि सिर्फ पंप के लिए करी थी और वो भी नहीं आया। चलो भाई घर चलते हैं, पोस्ट वर्कआउट मिल लेते हैं, घर जाके खाऊंगा रोटी सब्जी और चीज़ केक। वैसे तो प्लान था कि घर आकर रोटी सब्जी खाऊंगा, पर भाई आज ना बहुत कम कार्ब्स खाए मैंने, 200 ग्राम भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं चावल खाऊंगा, 50 ग्राम मैं पनीर यूज़ करूंगा और 350 ग्राम बॉइल्ड वाइट राइस होंगे उसमें, और यही मेरी लास्ट मील है। उसके बाद भाई दिन डन है अपना, सोऊंगा, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, थकान थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों। और हाँ भाई एक चीज़ तो बतानी भूल गया, ये चीज़ केक भी तो बड़ा अपना, इसके लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए मैं।